हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मेरे पास है होंडा शाइन एसपी। तो इस बाइक का एक छोटा सा प्रॉब्लम लेके मेरे पास आया है और बहुत सारा काम भी है। तो ये जो प्रॉब्लम है, बहुत दिन से इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है, कस्टमर ने बताया, और ये प्रॉब्लम फर्स्ट सॉल्व करना है, उसके बाद दूसरा जो काम है वो करना है। और अक्सर इस तरह होंडा शाइन में इस तरह प्रॉब्लम आता ही रहता है, आपको वो करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए प्रॉब्लम तो देखिए, और कस्टमर ने जो ये जो हेडजस्ट रबर रहता है, ये सर्विस सेंटर जाके भी मिला नहीं। तो आज मेरे को ये सही करना है, दूसरा कंपनी का जो हेडजस्ट रबर वो डालना है। तो दूसरा कंपनी का जो रबर, वो कौन सा मॉडल, पार्ट नंबर क्या है, प्राइस क्या है, टोटली जानकारी आज इस वीडियो के जरिए से देने जा रहा हूँ। जो दोस्त काम सीख रहा है, जिसके पास बाइक है, वो दोस्त भी पूरा वीडियो देखिए। आपका बाइक के साथ भी इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो आइए आपको ये टोटली देखने को मिला है। अभी ये टोटली साफ सफाई कर लेना है, और साफ सफाई करने के बाद जो नया जो रबर लेके आया हो वो सेट करना है। तो आइए फर्स्ट इसको साफ सफाई कर लेता हूँ। ठीक है दोस्त, ये साफ सफाई करने का काम हो गया। अभी मेरे को खोलना है, देखिए ये दोनों 10 नंबर, ये दोनों को भी खोलना है, और एक 10 नंबर और अपोजिट साइड में एक 10 नंबर, ये टोटल मेरे को 4 खोलना है। और 4 खोलने के बाद ये बाहर करना है, और बाहर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारा दोस्त कमेंट करके पूछे गए, ये बोल्ट काट होने से भी इस तरह ऑयल लीकेज होता है। देखिए मैंने बोल्ट खुला हो कितना टाइट था, और दूसरा भी खोलने जा रहा हूँ। देखिए आपको देखिए ये थ्रेड भी सही है, अभी खोलने के बाद भी देखना चाहता हूँ। देखिए ये भी बहुत टाइट ही था, और ये थ्रेड सही है, उसके बाद ऑयल लीकेज। देखिए ये खोलना है और बाहर करना है। देखिए एक सब्जी खोलने कम हो गया, अभी बाहर कर करना है। देखिए देखिए बाहर करने का कम भी हो गया, और ऑयल जो लीकेज हो रहा है ये साइड से हो रहा है। अभी आपको थ्रेड देखिए दोस्त, ये थ्रेड सही है। बहुत सारे दोस्त ने कमेंट करके पूछे ये थ्रेड कट हो गया है, इसीलिए इंजन ऑयल लीकेज हो रहा है। देखिए आपको देखने को मिल रहा है ये थ्रेड भी सही है, और दूसरा जो थ्रेड, ये थ्रेड भी सही है, और ऑयल जो लीकेज हो रहा है, ये जो रबर, ये रबर की वजह से हो रहा है। मेरे को ये रबर को नया डालना है। देखिए ये रबर नया डाल देता हूँ, और ये टोटली कपड़ा के जरिए से साफ सफाई कर लेता हूँ। काटने के बाद रबर को डालता हूँ, और नया रबर का प्राइस पार्ट नंबर भी दिखाता हूँ। आइए ये मैंने जो रबर लेके आया हूँ, और देखिए ये 125 cc और 150 cc बाइक का है। आपको देखे दे रहे ये इग्निटर मॉडल का है, इग्निटर और जो एसीवर में भी सेट होता है, इग्निटर में भी सेट होता है। इग्निटर 125 cc और एसीवर 150 cc। तो अभी ये बाहर करना है, और इसका प्राइस भी आपको देखने को मिल रहा है। ये बाहर करके चेक कर लेता हूँ, पकड़ो। देखिए ये जो रबर, ये रबर को मैं सेट कर लेता हूँ, और वीडियो लंबा हो रहा है। ये टोटली सेट करने के बाद स्टार्ट, देखिए साइड से ऑयल लीकेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना चाहता हूँ। अभी तो आएगा नहीं, बाद में आएगा कि नहीं वो पता नहीं, तो लेकिन नहीं आना चाहिए। देखिए ये रबर सेट हो गया, आपको दिखाई दे रहा है, ये बराबर से सेट हो गया, वो देखने को मिल रहा है। अभी ये मेरे को टाइट कर लेना है। देखिए ये टाइट हो गया, अभी दूसरा को टाइट करना है, ये दूसरा भी टाइट कर लेता हूँ। देखिए दोस्त, ये टोटली सेट करने का काम हो गया, और अक्सर इस तरह ऑयल लीकेज होने का होंडा शाइन में एक ही वजह है। देखिए ये टोटल हेड में दोनों बोल्ट के जरिए से टाइट होता है, इधर एक और एक कोने में एक, और ज़्यादातर ऑयल लीकेज एक कोने से होता है और दूसरा साइड कोने से भी होता है। तो ये दोनों बोल्ट के जरिए से टाइट होने की वजह से इस तरह प्रॉब्लम आता है। चारों जो बोल्ट और देने से प्रॉब्लम नहीं आता था, और कंपनी ने दोनों डाला है। और देखिए ये टोटली सेट हो गया, अभी मेरे को चेक कर लेना है। ये स्टार्ट देने के बाद ऑयल थोड़ा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं आना चाहिए। तो आइए ये टोटली सेट कर लेता हूँ, उसके बाद देखने की कोशिश करता हूँ।
देखिए दोस्त, ये टोटली सेट करने का काम हो गया और स्टार्ट भी देने का काम हुआ है। अभी आपको एक चीज़ देखना चाहता हूँ। देखिए ये जो साइड से ऑयल लीकेज हो रहा था, वो ऑयल लीकेज देखिए आपको देखने को मिलेगा। ऑयल लीकेज नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं है। नया जो रबर वो डाला हूँ इसी की वजह से। दोस्तों मैंने इस वीडियो के जरिए से जितना जानकारी बताने की कोशिश की वो ज़रूरी अच्छा लगा होगा। आज इतना ही बस। ओके बाय दोस्तों।